किष्किंधा कांड। वसंत ऋतु के आगमन से सारा कानन कुसुमित एवं सुरभित हो गया था। विविध रंग के प्रफुल्लित कमलों से सुशोभित पंपा सरोवर के किनारे विचरण करते हुए राम ने लक्ष्मण को वहां का नयनाभिराम दृश्य दिखाकर कहा, लक्ष्मण कुसुमाकर का वैभव देखो। वनस्पति भांति भांति के कुसुमों से अलंकृत है। प्रकृति फूली नहीं समाती। पवन पुष्पित द्रुम लताओं से हिल मिलाकर क्रीड़ा कर रही है। आसपास के झूमते हुए वृक्ष एक दूसरे के साथ माला की तरह गुंथे हुए जान पड़ते हैं। उनकी शाखाओं पर भ्रमरों का दल गुंजन करता है। ऐसा लगता है मानो ये पेड़ स्वयं नाचते गाते हुए वसंतोत्सव मना रहे हैं। वायु के झोंके से झड़ते हुए फूलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से प्रसून वर्षा हो रही हो। पृथ्वी पर सुंदर सुकोमल पुष्प शैया बिछी है। शीतल मंद सुगंध समीर चल रहा है। कमल वन मधुपों के गीत से गुंजायमान है। आम्र वन में मत कोकिला बोल रही है। सभी दिशाएं पक्षियों के कल नाद से निनादित हैं। वन में चारों ओर उल्लास छाया है। पशु पक्षियों के प्रेमी जोड़े यत्र तत्र विहार कर रहे हैं। हिरण हिरणियों का आमोद प्रमोद देखो। उधर पर्वत पर मुग्ध मोरनी नाचती हुई अपने प्रेमी मोर से मिलने जा रही है। ये जीव कितने भाग्यशाली हैं। लक्ष्मण ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। कोमल कलियों के मृदु हास और भ्रमरों के विलास से चित्त को सुख शांति मिलना तो दूर रहा, उल्टे संताप बढ़ता है। सुविकसित कमलों को देखते ही सीता के सुकुमार अंगों की स्मृति सजीव हो उठती है। अशोक पलाश के लाल फूल मुझे दहकते अंगारे जैसे लगते हैं। वसंत की वायु औरों के लिए सुखदायक हो सकती है, लेकिन मुझे तो वो जला ही रही है। पक्षियों का गाना और चहकना मुझे प्रिय नहीं लगता। वो तुच्छ जीव आज मेरा उपहास कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेला हूं। लक्ष्मण सीता के बिना मेरा जीवन कितना नीरस और निष्फल हो गया है। जो मेरे सुख के लिए भवन को त्याग कर वन में चली आई थी, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। जिसने दुख के दिनों में मेरा इतना साथ दिया, मैं उसके काम नहीं आया। क्या ये कम गलाने की बात है? भाई लक्ष्मण मैं अब ऐसे दुखी और निरर्थक जीवन का अंत कर लूंगा। तुम मुझे यहीं छोड़कर घर लौट जाओ। सीता के विरह में राम शोक से विकल हो गए। लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भैया धैर्य रखिए। बहुत स्नेह युक्त होने से दीपक की बत्ती चल जाती है। मनुष्य की भी यही दशा होती है। अधिक अनुराग से संताप ही बढ़ता है। आप चित्त को शांत करके उत्साह के साथ उद्योग कीजिए। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। संसार में उत्साही पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। चलिए हम भाभी को खोजने का दृढ़ प्रयास करें। कोई हुई वस्तु बिना यत्न के नहीं मिलती। हमें यथाशीघ्र सुग्रीव से मिलना है। उनकी सहायता से हमारा कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। दोनों भाई घूमते घूमते ऋष्यमूक पर्वत की ओर चल पड़े। राम हनुमान मिलन। किष्किंधापति वानर राज बाली के भय से उसका भाई सुग्रीव अपने चार विश्वास पात्र सहायकों के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर छिपा बैठा था। दूर से दो धनुर्धर वीरों को अपनी ओर आते देखकर उसे ये शंका हुई कि बाली ने उसके वध के लिए ही उन दोनों को भेजा है। वो घबरा गया और अपने सब साथियों को लेकर पर्वत के उच्च शिखर पर जा बैठा। वहां भी उसे यही जान पड़ा मानो मृत्यु सिर पर आ पहुंची है। न रहते बनता था और न भागते। सुग्रीव को इस प्रकार संतरस्त देखकर उसके प्रमुख सहायक हनुमान ने निवेदन किया, राजन इन धनुर्धारियों को बिना जाने बूझे अपना वैरी और बाली का हितैषी मानकर शंकित होना तथा भागना उचित नहीं है। पहले इसका भेद लेकर तब कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। सुग्रीव को हनुमान की बुद्धि और शक्ति का बड़ा भरोसा था। उसने उन्हीं को आगंतुकों से तुरंत मिलने और परिचय ज्ञात करने का आदेश दिया। हनुमान सन्यासी का वेश धारण करके राम लक्ष्मण के समीप गए और उन्हें शिष्टतापूर्वक प्रणाम करके सुसंस्कृत भाषा में बोले, सज्जनों आप लोग स्वरूप से देवता या विलक्षण महापुरुष जान पड़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप दोनों के शुभागमन से इस स्थान की महिमा बढ़ गई है। क्या मैं ये पूछने की धृष्टता कर सकता हूं कि आप कौन हैं, कहां से और किस अभिप्राय से इस दुर्गम वन में पधारे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है
कि आप दोनों के रूप में सूर्य और चंद्र ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। सत्य सत्य बताइए, आप लोग नर शरीरधारी देवता हैं या कहीं के राजकुमार? दिव्य राज लक्षणों से संपन्न होकर भी आप तपस्वी के वेश में क्यों घूम रहे हैं? यति वेशधारी हनुमान ने इस प्रकार अत्यंत शिष्ट, सुकोमल तथा संयत भाषा में राम लक्ष्मण से उनका परिचय पूछा। दोनों भाई उनकी बातों को ध्यान से सुनते रहे, स्वयं कुछ नहीं बोले। तब हनुमान ने पुनः निवेदन किया, सज्जनों, संभवतः आप लोग किसी अपरिचित से बातचीत करना उचित नहीं समझते, इसीलिए मौन है। आपसे कुछ पूछने से पहले मुझे अपना ही परिचय देना चाहिए। मैं वानर जाति में उत्पन्न मारुत का पुत्र हनुमान हूं। मुझे कपिवर सुग्रीव ने आपके पास भेजा है, मैं उसका सखा और सचिव हूँ। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के अत्याचार से पीड़ित होकर आजकल ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। आप दोनों को सहसा इधर आते देखकर उन्हें संभवतः कौतूहल तथा कुछ संदेह भी हुआ। उन्होंने तत्काल मुझे आपसे मिलने का आदेश दिया। आपके बारे में हमें पहले कुछ संशय था, इसीलिए मैंने छद्म वेश में आना ही ठीक समझा। आप लोगों के दर्शन मात्र से वो दूर हो गया। अब आप कृपा करके अपना परिचय दें और मेरे साथ ऋष्यमुख पर्वत पर पधारने का कष्ट करें। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा, बुद्धिमान और गुणग्राही हैं। आप जैसे महापुरुषों से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं उनकी ओर से आपको सादर आमंत्रित करता हूं। हनुमान के मधुर, स्पष्ट तथा प्रभावशाली संभाषण और सदव्यवहार से राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वो लक्ष्मण से मंद स्वर में बोले, लक्ष्मण, हम लोग जिनसे मिलना चाहते हैं उन्हीं के सुयोग्य मंत्री हैं। हीन जाति के होकर भी ये विलक्षण बुद्धि संपन्न तथा वेद शास्त्र, व्याकरण आदि के पंडित जान पड़ते हैं। ऐसी शुद्ध, सरस, शब्द प्रपंच रहित और सार गर्भित वाणी कोई विद्वान ही बोल सकता है। इस वाक्य विशारद के मुख से एक भी अशुद्ध और निरर्थक वाक्य नहीं निकला। बोलते समय इनके मुख, नेत्र, ललाट तथा अन्य अंगों से किसी तरह का विकार नहीं दिखाई पड़ा। अपने भाव को इन्होंने नपे तुले शब्दों में स्वाभाविक ढंग से व्यक्त कर दिया। इनका उच्चारण कितना स्पष्ट, मधुर और सुसंयत था। हृदय, कंठ और सिर से निकली हुई ऐसी सरस, सार्थक चित्रवाणी से तलवारधारी वैरी का भी चित्त मोहित हो सकता है। राजाओं के कार्य ऐसे ही चतुर कार्य साधकों से सिद्ध होते हैं। तुम इनकी बातों का बुद्धिमानी से उत्तर दो। तब लक्ष्मण राम की ओर संकेत करके हनुमान से बोले, विद्वद्वर हनुमान, ये त्रिभुवन विख्यात कौशल नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, मेरे स्वामी रघुकुल तिलक महात्मा राम है और मैं इनका अनुज तथा अनुचर लक्ष्मण हूँ। हम लोग घर, परिवार और राज्य त्याग कर 14 वर्ष तक वन में निवास करने आए हैं। हमारे साथ में पूज्य भाई की धर्मपत्नी जनक नंदिनी सीता भी थी। उन्हें पंचवटी से कोई दुरात्मा राक्षस हर ले गया है। हम लोग उन्हीं की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। इस प्रदेश में हमारा कोई सखा सहायक नहीं है। मार्ग में कबंध के मुख से कपिवर सुग्रीव की बड़ाई सुनकर हम लोग उनसे मिलने और सहायता मांगने आए हैं। एक दिन जो सबके आश्रयदाता और सहस्रों मनुष्यों के रक्षक तथा पालक थे, जिनका मुंह बड़े बड़े राजा भी ताकते थे, वही जगत पूज्य राम आज सुग्रीव के कृपा भिलाषी होकर उनकी शरण चाहते हैं। जो दूसरों का दुख हरण करने में समर्थ है, वही राम आज स्वयं महादुखी होकर आप सबकी सहानुभूति चाहते हैं। हम आपके यशस्वी स्वामी का आमंत्रण स्वीकार करते हैं। हनुमान ने मन ही मन समझ लिया कि राम और सुग्रीव एक सी स्थिति में है, अतः दोनों सहज एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र और उपकारी बन जाएंगे। वो दोनों को आदर पूर्वक अपने साथ लेकर ऋष्यमुख की ओर चले। राम सुग्रीव की मित्रता। ऋष्यमुख के निकट पहुंचकर राम लक्ष्मण खड़े हो गए। हनुमान ने आगे बढ़कर सुग्रीव से सारा हाल कहा। सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुआ और तत्काल मनुष्य का रूप धारण करके पर्वत से नीचे उतर आया। उसने राम के आगे अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कहा, पधारिए धर्मात्मा राम, आपका स्वागत है। हनुमान से मुझे आपका परिचय मिल चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ मैत्री करके मुझे गौरवान्वित करने आए हैं। मैं दृढ़ मित्रता के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। राम ने सुग्रीव से हाथ मिलाकर उसे छाती से लगा लिया। हनुमान ने उसी समय लकड़ियों से आग जलाई।
राम अग्निदेव को साक्षी करके सुग्रीव से बोले, सुग्रीव आज से तुम मेरे सुहृदय हो, हम तुम्हारे दुख सुख को अपना ही समझेंगे। सुग्रीव ने भी अग्नि के समक्ष इसी प्रकार मैत्री की शपथ ली। उसके बाद वो दोनों भाइयों को पर्वत के ऊपर ले गया। वहां उनके लिए कोमल पत्तों का आसन बिछाया गया। हनुमान ने लक्ष्मण को चंदन की एक फूली हुई टहनी भेंट की। राम और सुग्रीव में बातें होने लगी। सुग्रीव ने कहा, पुरुष सिंह राम, मुझे मंत्रीवर हनुमान ने आपके आने का उद्देश्य बता दिया है। आप सीता की चिंता छोड़िए, वो जहां कहीं भी होंगी मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लाऊंगा। कुछ समय पूर्व एक राक्षस किसी स्त्री को हरकर आकाश मार्ग से ले जा रहा था। उस अबला के मुख से बार बार हा राम हा लक्ष्मण की पुकार सुनाई पड़ती थी। उसने हमें यहां बैठे देखकर पोटली में अपने कुछ गहने गिरा दिए थे। वो अभी तक मेरे पास सुरक्षित हैं। आप उन्हें देखिए, मेरा तो अनुमान है कि जिस स्त्री को हमने देखा था वो सीता ही थी। ये कहकर सुग्रीव अपनी गुफा में गया और वहां से उन गहनों को ले आया। राम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उन आभूषणों को लक्ष्मण के आगे रखकर वो बोले, लक्ष्मण इन्हें पहचानते हो? लक्ष्मण ने बहुत दुख के साथ उत्तर दिया, भैया मैं इन केयूर कुंडलों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नूपुरों को पहचान रहा हूं। भाभी के चरण छूते समय मैं इन्हीं को नित्य देखता था। राम शोक से अधीर हो गए। सुग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा, वीरवर राम, आपको दुखी और अधीर ना होना चाहिए। मुझे देखिए, मेरे ऊपर भी ऐसी ही विपत्ति है। मैं तुच्छ जाति का अशिक्षित प्राणी हूं, फिर भी दुखी या अधीर नहीं होता। आप तो नर ही नहीं नरनाथ हैं, परम बुद्धिमान और सुशिक्षित महापुरुष हैं। आप जैसे ज्ञानी का शोकग्रस्त होना अशोभनीय है। आप शोक का परित्याग कीजिए। शोक से मनुष्य का आत्मतेज नष्ट हो जाता है। शोकाकुल प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता। अतएव धैर्य रखिए, सीता आपको अवश्य मिलेंगी। जिसने भी उनका अपहरण किया होगा मैं उसे सब परिवार मारकर आपका प्रिय कार्य करूंगा। राम को इन वचनों से थोड़ी शांति और स्फूर्ति मिली। उन्होंने स्वस्थ चित्त होकर सुग्रीव से कहा, सुग्रीव एक सच्चे मित्र से जैसी सहानुभूति और सत्प्रेरणा मिलनी चाहिए वैसी ही तुमसे मुझे मिली है। अब तुम पहले मुझे काम बताओ, उसको करके तब मैं अपने काम की चिंता करूंगा। सुग्रीव गदगद होकर बोले, राम मित्र चाहे धनी हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, निर्दोष हो या सदोष, विपत्ति में वही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। आप जैसे सर्वसमर्थ मित्र का अनुग्रह कभी निष्फल ना होगा। मैं आपका बहुत भरोसा करके अपनी कष्ट कथा सुनाता हूं। आपने जगत प्रसिद्ध पराक्रमी वानर सम्राट बाली का नाम तो सुना होगा। वो किष्किंधा का राजा और मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे तिरस्कार के साथ घर और राज्य से निकाल दिया है, मेरी पत्नी छीन ली है और मेरे सभी हितैषी मित्रों को बंदी गृह में डाल दिया है। वो एक बार नहीं कई बार मेरे वध की चेष्टा कर चुका है। उस महाशक्तिशाली राजा के भय से मैं भागा भागा घूमता हूं। इस घोर विपत्ति में यही चार वानर हनुमान नल नील तार मेरे सच्चे साथी हैं। इन्हीं की सहायता से मैं अभी तक किसी तरह अपने जीवन की रक्षा करता रहा हूं। अब मैं आप जैसे वीर मित्र की शरण में हूं। कृपया मेरे उस बलवान बैरी को मारकर मुझे महाभय से मुक्त कीजिए। इतना सुनने के बाद राम ने पूछा, तुम्हारी और बाली की शत्रुता का सूत्रपात कैसे हुआ, स्पष्ट करो। सुग्रीव कहने लगा, राम बचपन में हम दोनों भाई एक साथ बड़े प्रेम से रहते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद बाली ही किष्किंधा का राजा बना। मैं उसकी सेवा में रहने लगा। बाली ने थोड़े ही समय में अपने बाहुबल से बड़े बड़े नामी राक्षसों और गंधर्वों आदि को पराजित करके चारों ओर अपनी धाक जमा ली। कुछ काल बाद एक सुंदर स्त्री के पीछे उसमें और दुदंभी राक्षस के पुत्र मायावी में अनबन हो गई। दोनों का वैर बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन मायावी ने अर्धरात्रि के समय किष्किंधा के नगर द्वार पर आकर कर्कश स्वर में बाली को ललकारा। शत्रु दर्पहारी बाली जाग गया और रानियों के मना करने पर भी ताल ठोकता हुआ बाहर निकल आया। भाई के स्नेहवश मैं भी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। मायावी हम दोनों को देखते ही भाग खड़ा हुआ। हमने चांदनी रात में उसे खदेड़ दिया।
बहुत दूर जाने पर एक लंबी चौड़ी सुरंग मिली। वो दानव उसी में घुस गया और हमारे बार बार पुकारने पर भी बाहर नहीं निकला। अंत में बाली ने अत्यंत क्षुब्ध होकर मुझसे कहा, सुग्रीव मैं इस दुर्गम बिल में जाकर उस अधम राक्षस को मारूंगा, तुम मेरे लौटने तक यहीं बैठे रहना और सावधानी से बिल द्वार की रक्षा करना, तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है। बाली सिंह की भांति दहाड़ता हुआ सुरंग के भीतर चला गया। मैं दीर्घ काल तक उसकी प्रतीक्षा करता बैठा रहा। मेरे मन में भांति भांति की अशुभ आशंकाएं उठने लगी, पर मैं वहां से नहीं टला। एक दिन सहसा सुरंग से फेनिल रक्त की धारा निकली, साथ ही बहुत से दानवों का कोलाहल भी सुनाई पड़ा। मैंने उस समय बाली का गर्जन नहीं सुना। इन सब लक्षणों से मुझे यह विश्वास हो गया कि दानवों ने मिलकर बाली को मार डाला है। मैं भयवश उस सुरंग के द्वार को एक भारी शिला से अच्छी तरह बंद करके किष्किंधा चला गया। वहां सबको मैंने बाली की मृत्यु का समाचार बताया और विधिवत उसका श्राद्ध कर्म किया। तदनंतर राजमंत्रियों ने मिलकर मुझे किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठाया और मैं राज्य करने लगा। अब आगे का हाल सुनिए। मेरा अनुमान असत्य निकला। मेरे राज्याभिषेक के कुछ ही समय बाद बाली मायावी राक्षस को मारकर लौटा। मुझे देखते ही वो क्रोध से उन्मत्त हो गया। मैंने उसे प्रणाम किया, अपना मुकुट उसके चरणों पर रख दिया और अपनी ओर से बहुत कुछ सफाई दी, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। उसने सबके आगे मेरी भर्त्सना करते हुए कहा, ओह इस नीच भ्रातृद्रोही ने राज्य के लोभ से मेरे साथ कैसा विश्वासघात किया। ये जानबूझकर मेरे साथ गया था, इसके भरोसे मैं सुरंग में घुस गया। बहुत ढूंढने पर कई दिनों बाद वो दानव मिला। मैंने उसे और उसके सभी साथियों को पकड़ पकड़ कर मार डाला। उनके क्रंदन चीत्कार से सारी सुरंग गूंज उठी और रक्त की धारा बह निकली। ये कठिन कार्य करके जब मैं थका मांदा बाहर की ओर आया तो द्वार बंद मिला। ये दुष्ट उसको एक बड़ी भारी शिला से बंद करके भाग आया था। मैं किसी तरह उस शिला को तोड़कर बाहर निकला। अब यहां आकर देखता हूं कि ये महाशय मुझे मृत्यु के मुख में डालकर स्वयं राजा बन बैठा है। राम, जिन बातों से मुझे इस विषय में धोखा हुआ था उन्हें बाली को बताकर मैंने उससे बारंबार क्षमा मांगी, लेकिन उसने उसी समय मुझे वहां से खदेड़ दिया। मेरी पत्नी तक मुझसे छीन ली गई। उसे बाली की उपपत्नी बनने के लिए विवश होना पड़ा। तब से मैं इधर उधर मारा मारा फिरता हूं। हर जगह बाली के गुप्त सैनिक मेरे पीछे लगे ही रहते हैं। कुछ दिनों से मैं इसी पर्वत पर वास कर रहा हूं। बाली शापवश इस पर्वत पर नहीं आता, इससे ये स्थान सुरक्षित है। यद्यपि मैं निर्दोष हूं, फिर भी बाली ने मुझे दोषी बनाकर मेरे ऊपर घोर अत्याचार किया है। अब आप कृपा करके मेरे भ्रातृ रूपी वैरी को मारिए और अपने इस दुखी दीन मित्र की रक्षा कीजिए। राम सहज भाव से बोले, सुग्रीव मैत्री का फल उपकार ही होता है। जिस चरित्रहीन बाली ने तुम्हारी भार्या का अपहरण करके तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया है उसे मैं अवश्य मारूंगा। तुम्हें शीघ्र ही कुल लक्ष्मी और राजलक्ष्मी दोनों प्राप्त होंगी। राम के आश्वासन से सुग्रीव को संतोष नहीं हुआ। वो बोला, रघुनंदन ये माना कि आप यथाशक्ति मेरी सहायता करेंगे, लेकिन बाली को पराजित करना सहज नहीं है। वो ऐसा शक्तिशाली है कि पर्वत शिखरों को खंड खंड करके गेंद की तरह उछाल देता है। वन के बड़े बड़े वृक्षों को एक धक्के से गिरा देना उसके लिए साधारण काम है। उसने गोलभ नामक अति पराक्रमी गंधर्व राज के साथ 15 वर्षों तक लगातार युद्ध करके उसे पछाड़ दिया था। एक बार जंगली भैंस के समान भीषण शरीरधारी दुर्दम राक्षस दुधुम्बी उससे लड़ने आया था। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। अंत में बाली ने उस बलवान राक्षस को पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। उसके बल पराक्रम का हाल कहां तक कहूं। सामने के 7 साल वृक्षों को देखिए। बाली उन्हें एक बार में झकझोर कर उनका एक एक पत्ता गिरा सकता है। ऐसे महाबली से आप कैसे पार पाएंगे। इस पर लक्ष्मण ने सुग्रीव से पूछा, वानरेंद्र सुग्रीव आपको इस बात का विश्वास कैसे होगा कि आर्य राम बाली का वध करने में समर्थ है। सुग्रीव ने उत्तर दिया, राजकुमार मुझे राम के शक्ति सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ी शंका होती है। यदि वो इन वृक्षों में से एक को भी एक बाण से काटते तो मेरा संदेह मिट जाएगा। राम ने दिव्य बाण द्वारा
क्षण मात्र में सातों सालों को एक साथ काट कर गिरा दिया। सुग्रीव उनकी विलक्षण क्षमता देखकर चकित हो गया। उसने राम से हाथ जोड़कर कहा, महाबाहु राम, अब मुझे विश्वास हो गया कि बाली आपके हाथों से अवश्य मारा जाएगा। मेरी प्रसन्नता के लिए उसे शीघ्र मारिए। राम बाली वध के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अब किष्किंधा चलो और आगे बढ़कर बाली को ललकारो। मैं पास ही पेड़ों की आड़ में छिपा रहूंगा, वहीं से बाली पर बाण चलाऊंगा। बाली वध। सुग्रीव सबको साथ लेकर किष्किंधा नगरी के समीप पहुंचा। वहां राम आदि पेड़ों की ओट में खड़े हो गए। सुग्रीव लंगोट कसकर आगे बढ़ा और बाली को बारंबार ललकारने लगा। बाली तुरंत ही नगर द्वार से बाहर निकला और क्रोध से उन्मत्त होकर सुग्रीव की ओर झपटा। दोनों में भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। राम धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े ही रह गए। बाली सुग्रीव के रूप रंग में इतनी समानता थी कि दूर से उन्हें ठीक ठीक पहचाना ही नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में धोखा हो सकता था, अतः राम ने बाण नहीं मारा। उधर बाली ने सुग्रीव को पीटते पीटते गिरा दिया। वो किसी तरह प्राण बचाकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। बाली भी उसके पीछे पीछे ललकारता हुआ दौड़ा और कुछ दूर तक पीछा करने के बाद जा तुझे छोड़ दिया कहकर लौट आया। राम लक्ष्मण आदि सुग्रीव के पास पहुंचे। बाली ने उसकी एक एक नस ढीली कर दी थी। राम को देखते ही वो रोषपूर्वक बोला, राम आपका विश्वास करके मैंने धोखा खाया। आप यदि बाली को नहीं मारना चाहते थे तो पहले कह देते। राम ने अपनी कठिनाई बताकर कहा, मित्र कहीं बाली के धोखे में मैं तुम्हें मार देता तो कैसा अनर्थ होता। अब तुम एक बार फिर युद्ध के लिए चलो और इस बार ऐसा चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें दूर से ही पहचान लूं। सुग्रीव बहुत डर गया था, फिर भी राम के आग्रह से वो गले में नागपुष्पी की माला पहनकर पुनः किष्किंधा की ओर अग्रसर हुआ। महापुरी के बाहर पहुंचकर अन्य लोग पेड़ों की आड़ में छिप गए। सुग्रीव ने आगे बढ़कर गगनभेदी सिंह नाद किया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली अपने अंतःपुर में बैठा था। सुग्रीव का रण आह्वान सुनते ही वो दर्प से पैर पटकता हुआ बाहर निकला। उस समय उसकी बुद्धिमान पत्नी तारा ने उसे रोककर कहा, मेरे नाथ पराजित सुग्रीव इतनी जल्दी दोबारा लौटकर आपको ललकार रहा है। इससे मुझे शंका होती है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है। कुछ दिन पूर्व अंगद को गुप्तचरों से पता चला था कि अयोध्या से राम लक्ष्मण नामक दो धनुर्धर राजकुमार इधर आए हैं। वो धुरंधर वीर कहे जाते हैं। कौन जाने सुग्रीव ने उनसे मैत्री कर ली हो और वो यहां उसकी सहायता करने आए हो। आप इस समय रुक जाइए। सुग्रीव आपका छोटा भाई है, उसे आप युवराज का पद देकर स्नेह और उपकार से अपना बना ले तो श्रेयस्कर होगा। बाली तारा को झिड़क कर बोला, भीरू सुग्रीव भाई के रूप में नहीं शत्रु के रूप में आया है। मैं स्वप्न में भी शत्रु का गर्जन तर्जन नहीं सह सकता। तू राम के विषय में शंका ना कर, मैं राम को जानता हूं, वो बड़े मर्यादाशील हैं, अकारण मेरे ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। मैं तुझे वचन देता हूं कि सुग्रीव का वध नहीं करूंगा, बस उसका दंभ अहंकार चूर करके छोड़ दूंगा। महाबली बाली सिंह की तरह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। सुग्रीव के पैर के नीचे की धरती खिसकने लगी, फिर भी राम के भरोसे मैदान में डटा ही रहा। बाली ने झपट कर सुग्रीव को एक घूंसा मारा, उसके मुख से रक्त निकलने लगा। एक बार लड़खड़ाकर वो फिर संभल गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य और चंद्र ही पृथ्वी पर आकर लड़ रहे हों। बाली के आगे सुग्रीव का बल पौरुष धीरे धीरे मंद पड़ गया। उसको अत्यंत व्याकुल देखकर राम ने एक संघात्मक बाण मारा, उससे बाली का वक्ष विदीर्ण हो गया। वो रुधिर बहाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। वानरराज के धराशायी होते ही सुग्रीव के सभी गुप्त सहायक प्रकट हो गए। बाली धनुर्धारी राम की ओर देखकर बोला, राम ये आपने क्या किया? आप तो एक यशस्वी राजपुत्र हैं और बड़े धर्मात्मा कहे जाते हैं, आपने ऐसा अधर्म और अन्याय क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक वनवासी प्राणी था, कभी मैंने आपका अपमान या आपके राष्ट्र का अहित भी नहीं किया था, फिर आपने अकारण मुझे क्यों मारा? आप तो साधारण नर नहीं नरेश्वर हैं, फिर ऐसे दुष्कर्म में कैसे प्रवृत्त हुए?
आप तो पूरे वंचक निकले। सभ्य समाज में आप इसका क्या उत्तर देंगे? संसार आपको क्या कहेगा? यदि आप मुझसे लड़ना चाहते थे तो सामने आकर लड़ते, मैं आपकी युद्ध वासना शांत कर देता। आपने स्वार्थवश सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए मेरी हत्या की है। यदि आप मुझसे कहते तो मैं एक दिन में सीता को ला देता और साथ ही आपके अपकारी राक्षस को भी पकड़ लाता। साधारण कार्य के लिए आपने ऐसा अनर्थ कर डाला, ये आपके लिए घोर कलंक की बात होगी। बाली को उस समय असहाय वेदना ही रही थी, वो अधिक नहीं बोल पाया। राम उसकी प्रताड़ना से रुष्ट होकर बोले, बाली, तुम जिस धर्म की दुहाई दे रहे हो मैंने उसी के अनुसार कार्य किया है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव के जीते जी उसकी धर्म पत्नी रूमा को, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्र वधु के तुल्य है, अपनी स्त्री बना रखा है। इस पाप कर्म के लिए तुम्हें मृत्यु दंड देना उचित ही है। इसके अतिरिक्त मुझे सुग्रीव का भी उपकार करना था, क्योंकि वो मेरा मित्र है। अतः मैंने धर्म रक्षा और मित्र रक्षा के निमित्त तुम्हें मारा है। तुम पशु कर्म में लिप्त होकर पतित हो गए थे, अतः तुमको छिपकर मारने में मैंने कोई दोष नहीं समझा। दुष्ट जीवों का वध इसी प्रकार किया जाता है। बाली मृत्यु की घड़ियां गिन रहा था। उसने राम से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक निवेदन किया, राम, जो होना था सो हो चुका। मुझे पर स्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरे कठोर शब्दों के लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरा अंतकाल निकट है। मुझे एक ही चिंता है कि मैं अपनी स्त्री तारा और अपने एकमात्र पुत्र अंगद को अनाथ छोड़कर इस संसार से जा रहा हूं। उनका क्या होगा? कहीं सुग्रीव उनसे मेरे बैर का बदला ना ले। राम, आपसे मेरी ये अंतिम प्रार्थना है कि उन पर कृपा दृष्टि रखिएगा। अंगद को मैं बहुत प्यार करता था, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। राम ने बाली को आश्वासन देते हुए कहा, वानरराज, तुम चिंता ना करो, हम और सुग्रीव पिता की भांति अंगद का पालन करेंगे। बाली कष्ट से मूर्छित हो गया। उसी समय उसकी पत्नी तारा हाहाकार करती हुई वहां आई और पति से लिपटकर विलाप प्रलाप करने लगी। हनुमान ने उसे बहुत समझाया, पर वो कैसे मानती? उसकी आंखों के आगे ही उसका सौभाग्य लुट रहा था। बाली की सांस धीमी पड़ गई थी। उसने एक बार आंख खोलकर सुग्रीव को पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, मैं सदा के लिए जा रहा हूं, तुम पिछली बातों को भूल जाओ। परिस्थितियों से विवश होकर मैंने तुम्हारे साथ जो कठोर व्यवहार किया हो उसके लिए मुझे दोष न देना। भैया, हम दोनों के भाग्य में साथ साथ सुख से रहना नहीं लिखा था। अब मैं चला सुग्रीव, तुम इस वानर राज्य को संभालो। अंगद का ध्यान रखना, ये बहुत लाड़ प्यार में पला है। आज से तुम उसके पिता बनो। तारा के सुख सम्मान का भी ध्यान रखना। राज्य के कार्य में किसी प्रकार का प्रमाद न करना। अब तुम मेरे गले से सोने की दिव्य माला उतार कर पहन लो, उसमें राज्य श्री निवास करती है। सुग्रीव भाई के स्नेह भरे वचन सुनकर रोने लगा। बाली ने उसे अपने हाथ से अपनी माला उतार कर दे दी। इसके बाद वो अपने युवा पुत्र अंगद से बोला, बेटा, मैं तुम्हें सुग्रीव के हाथों में सौंपकर अब इस संसार से जा रहा हूं। तुम मेरे स्थान पर सुग्रीव को ही अपना पिता मानना और उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलना। तुम्हारे अपराध करने पर भी मैं तुम्हें सदा प्यार ही करता था, दूसरा कोई ऐसा ना करेगा। अतः भविष्य में बहुत सावधान रहना। मेरी एक बात और मानना, वो ये कि सदा मध्यम मार्ग का ही अनुसरण करना, किसी से अधिक प्रेम या बैर ना करना, क्योंकि दोनों ही अनिष्टकारक होते हैं। इतना कहकर बाली ने प्राण त्याग दिए। वानर समाज में हाहाकार मच गया। सभी उसके गुणों को याद करके रोने लगे। किष्किंधा सूनी जान पड़ने लगी। सुग्रीव को उस समय याद आया कि बाली युद्ध में भी भाईपन का ध्यान रखता था और जानबूझकर सदा मृदु प्रहार ही करता था। उत्तेजितावस्था में भी उसने अपना बड़प्पन नहीं छोड़ा। बड़े भाई की अनेक विशेषताओं को स्मरण करके वो अपनी ही दृष्टि में दोषी बन गया और सिर पीट पीट कर रोने लगा। राम की आंखों में भी आंसू आ गए। तारा उस समय सबसे अधिक दुखी थी। वो रोती छटपटाती राम के पास पहुंची और बोली, राम, मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, आपने ऐसा अनुचित कार्य क्यों किया? स्त्री के बिना किसी युवक को कष्ट होता है, उसे आप जानते ही हैं।
मेरे बिना मेरे प्रियतम स्वर्ग में भी सुखी ना होंगे। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे भी मारकर उनके पास पहुंचा दें। इस स्त्री दान से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। राम ने दुखिनी तारा और सुग्रीव तथा अंगद को सांत्वना देकर बाली की अंत्येष्टि क्रिया करने का आदेश दिया। लक्ष्मण और सुग्रीव आदि बाली के मृत शरीर को एक सुसज्जित शिविका में रखकर धूमधाम से श्मशान ले गए। वहां सुग्रीव ने चंदन की चिता पर उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद सभी प्रमुख वानर राम के पास लौट आए। उन सबकी इच्छा यही थी कि राम स्वयं किष्किंधा में चलकर अपने हाथों से सुग्रीव का राज्याभिषेक करें। हनुमान ने इसके लिए उनसे अनुरोध भी किया, लेकिन दृढ़व्रती राम सहमत नहीं हुए। एक निश्चित समय तक किसी ग्राम या पुर में जाना उनके लिए अनुचित था। उन्होंने वानरों को इस संबंध में उचित आदेश देकर सुग्रीव से कहा, मित्र अब तुम जाकर अपना अभिषेक कराओ और राजकाज संभालो। अंगद को युवराज का पद दे देना। अब वर्षा ऋतु आ गई है, अतः सीता के अन्वेषण का कार्य नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि तुम वर्षा के समाप्त होते ही मेरा कार्य अवश्य करोगे। मैं तब तक किष्किंधा के पास ही किसी एकांत स्थान में निवास करूंगा। सुग्रीव ने राम के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करके उनसे कहा, महाभाग आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षा ऋतु के बीतते ही आपका कार्य अवश्य कर दूंगा। राम ने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया। वो दल बल सहित वानरों की समृद्ध शालिनी महापुरी में आया। प्रजा ने धूमधाम से उसका स्वागत किया। राजदुर्ग में विधिवत उसका राज्याभिषेक हुआ। राजा होते ही सुग्रीव ने अंगद को गले से लगाकर युवराज के आसन पर बिठा दिया। राम की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गईं। राम का एकांतवास। सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर राम लक्ष्मण प्रस्त्रवण नामक सुरम्य पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे। उन्होंने वहीं वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। वन पर्वत के रमणीक स्थानों में भी राम के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। चंद्रोदय से उनका संताप बढ़ जाता था। काले बादलों में चमकती बिजली उन्हें राक्षस के अंक में छटपटाती हुई सीता की याद दिला देती थी। उन दिनों राम को रह रहकर भरत और अयोध्या की भी बहुत याद आती थी। कभी कभी वो अपने व सुग्रीव के भाग्य की तुलना करके लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण सुग्रीव इस समय रमणी और राजलक्ष्मी का उपभोग करता होगा, लेकिन मैं राज्य और स्त्री दोनों से वंचित हूं। इस कुछ समय में मेरा मार्ग भी दुर्गम हो गया है। मैं कौन सा सुख भोगूं, कहां जाऊं, क्या करूं? लक्ष्मण उन्हें निरंतर सांत्वना देते रहते थे। दोनों भाइयों को एक ही भरोसा था कि सुग्रीव वर्षा काल के बाद उनके काम को अपने सिर पर उठा लेगा। उधर सुग्रीव राज्य पाकर बाली की विधवा स्त्री तारा के साथ भोग विलास में मग्न हो गया। सुरा सुंदरी के आगे कर्तव्य का ध्यान किसे रहता है? वर्षा के बाद शरद काल आ पहुंचा। आकाश मेघ रहित हो गया, फिर भी सुग्रीव ने राम के कार्य में हाथ नहीं लगाया। एक दिन हनुमान के बहुत कहने पर उसने सेनापति नील को बुलाया और उसे 15 दिन के भीतर पृथ्वी के समस्त वानरों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। नील ने सभी दिशाओं में शीघ्रगामी दूत भेज दिए। सुग्रीव फिर अंतपुर में जाकर रम गया। राम की चेतावनी। सीता के वियोग में राम को एक एक दिन युग के समान जान पड़ रहा था। शरद ऋतु के आते ही उनकी व्यग्रता बढ़ गई। कई दिनों तक वो इस आशा में बैठे रहे कि सुग्रीव दल बल सहित आता होगा, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन राम अत्यंत खिन्न होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण वर्षा ऋतु बीत गई, उद्योग काल आ पहुंचा, लेकिन मैं सुग्रीव को यहां नहीं देखता। सीता को खोजने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं इस समय राज्यच्युत स्त्रीहीन निस्सहाय परदेशी तथा संकटग्रस्त हूं और अनाथ की भांति सुग्रीव की शरण में आया हूं। फिर भी उसे मेरे ऊपर दया नहीं आती। मुझे दीनहीन मानकर वो मेरी उपेक्षा कर रहा है। उसे मेरे उपकार और अपनी प्रतिज्ञा का भी कुछ ध्यान नहीं है। तुम आज ही किष्किंधा जाओ और उस कृतज्ञ से स्पष्ट शब्दों में कह दो कि यमलोक का मार्ग बंद नहीं हुआ है। जिस मार्ग से बाली गया है उसी मार्ग से मैं सुग्रीव को भी बंधु बांधवों सहित भेज दूंगा।
शीघ्र कोपी लक्ष्मण पहले से ही सुग्रीव से चिड़े बैठे थे। राम की बातों से उनका क्रोध भड़क गया। वो सुग्रीव के प्रति कठोर वचन बोलते हुए धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। धीर वीर राम ने उन्हें आवश्यकता से अधिक उत्तेजित देखकर फिर कहा, सौम्य, इस बात को याद रखना कि सुग्रीव हमारा मित्र है, उसके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार मत करना। वो इतने दिनों बाद भोग विलास के प्रचुर साधन पाकर सांसारिक विषयों में आसक्त हो गया है। जहां तक हो सके उसे समझा बुझा कर ठीक रास्ते पर लाना होगा। वीरवर लक्ष्मण ने किष्किंधा के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वो पर्वतों के बीच में स्थित अनेक अट्टालिकाओं, पुष्पित काननों, सुविभक्त मार्गों तथा देवालयों से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में पहुंचे। विशाल राजदुर्ग के चारों ओर सैकड़ों शस्त्रधारी सैनिक पहरा दे रहे थे। सारी पुरी वीर वानरों से भरी थी। महाधनुर्धर लक्ष्मण के आते ही सारी राजधानी में हलचल मच गई। राजमंत्रियों ने सैनिकों को नगर रक्षा के लिए तुरंत सावधान कर दिया। सहस्त्रों भीमकाय वानर वृक्ष तथा शिलाखंड लेकर पर्वतों पर खड़े हो गए और आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। लक्ष्मण धनुष पर टंकार देते हुए राजमहल में घुस गए। किसी ने उनको रोकने का साहस नहीं किया। अंतपुर के द्वार पर पहुंचकर वो स्वयं ही खड़े हो गए। वहां अंगद ने दौड़कर उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण ने उसी के द्वारा सुग्रीव के पास अपने आने का संदेश कहलाया। लक्ष्मण का उग्र रूप देखकर अंगद भयभीत हो गया था। उसने तुरंत भीतर जाकर सुग्रीव से निवेदन किया, तात, महात्मा राम के तेजस्वी भाई लक्ष्मण धनुष बाण लेकर द्वार पर खड़े हैं और आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। इस समय वो अत्यंत क्रुद्ध जान पड़ते हैं। सुग्रीव स्त्रियों के बीच में मदोन्मत पड़ा था। अंगद के बार बार कहने पर वो उत्तेजित होकर बोला, लक्ष्मण को यहां इस तरह आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने उनका कोई अपकार नहीं किया, फिर वो क्यों क्रुद्ध है? जान पड़ता है मेरे शत्रुओं ने उन्हें भड़का दिया है। मुझे राम लक्ष्मण का लेश मात्र भी भय नहीं है, फिर भी मैं उनके क्रोध का कारण जानना चाहता हूं। मित्र को इस प्रकार कुपित नहीं होना चाहिए। मैत्री करना सहज है पर उसे निभाना कठिन है। उसी समय हनुमान भी वहां आ गए। उन्होंने सुग्रीव को उसकी भूल बताई। तब तक उसका मद भी बहुत कुछ उतर चुका था। वो अपराधी की तरह भयभीत होकर तारा से बोला, प्रिय, मैं तो लक्ष्मण के आगे जाने का साहस नहीं करूंगा, तुम ही जाओ। वो तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि सत्पुरुष स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करते। तारा भी उस समय मद से विह्वल थी। सुग्रीव के बारंबार आग्रह करने पर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने उसे देखते ही अपना सिर झुका लिया। तारा उनके सामने संभल कर खड़ी हो गई और बोली, राजकुमार, आप हर्षपूर्वक यहाँ पधारते तो मुझे आश्चर्य न होता, लेकिन आप इतने रुष्ट क्यों हैं? किसी ने आपका कुछ अप्रिय तो नहीं किया? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, देवी, हम राजा सुग्रीव के दुर्व्यवहार से बहुत ही क्षुब्ध होकर यहाँ आए हैं। उन्होंने वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही सीता की खोज कराने की प्रतिज्ञा की थी। उन्हें न उसका ध्यान है और न राम के महान उपकार का। सब कुछ भूलकर वो कामिनी और सुरा के सेवन में लगे हैं। हम इस अपमान को नहीं सह सकते, अतः उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। मृदु भाषिनी तारा इसे सुनकर बोली, राजकुमार, स्वजनों को इस प्रकार कोप नहीं करना चाहिए। आपने हम लोगों का जो उपकार किया है और आपके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसके लिए उद्योग करने का समय आ गया है। किंतु इधर आपके मित्र भोग विलास में लगे रहे, इससे उन्हें इसका विशेष ध्यान नहीं रहा। काम वासना के तीव्र होने पर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। आप काम तंत्र में प्रवीण नहीं जान पड़ते, तभी इस प्रकार क्रुद्ध हो गए हैं। कृपया अपने मित्र को इस स्वाभाविक दोष के लिए क्षमा कीजिए। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल जाते हैं तो चंचल प्रकृति के वानर राज का कामी होना आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने इस दशा में भी आपके कार्य की अवहेलना नहीं की है। वो इसी काम के लिए देश विदेश के सभी वानरों को बुलाने का आदेश दे चुके हैं। उनसे थोड़ी बहुत जो असावधानी हुई है उसे मित्र भाव से क्षमा कर दीजिए और अंत्यपुर में चलकर उनसे प्रेम पूर्वक मिलिए। तारा के अनुरोध से लक्ष्मण सुग्रीव के अंत्यपुर में प्रविष्ट हुए। भीतर रमणियों के नूपुर की झंकार सुनकर वो लज्जित हो गए। दूर से उन्होंने सोने के पलंग पर दिव्य वस्त्राभूषणधारी सुग्रीव को बैठे देखा। आसपास अनेक सर्व विभूषिता
सुकुमारियां खड़ी थीं। सुग्रीव को देखते ही लक्ष्मण का दबा हुआ क्रोध फिर उमड़ आया। वो उसे फटकारने लगे। सुग्रीव घबराकर चुपचाप खड़ा हो गया। तारा ने अपने कोमल तथा तर्कयुक्त वचनों से लक्ष्मण को फिर शांत किया। उन्हें प्रसन्न देखकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, मित्र लक्ष्मण, मेरा जो कुछ ऐश्वर्य आप देख रहे हैं वो राम की कृपा का ही फल है। मैं उनके महान उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे वो अपना दास समझें और सेवा में मुझसे जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा कर दें। सेवक से भूल होती ही रहती है। लक्ष्मण की दुर्भावनाएं निर्मूल हो गई। वो सुग्रीव के प्रति स्नेह सौजन्य प्रदर्शित करते हुए बोले, मित्र वानर राज, मेरे पूज्य भाई और आपके अत्यंत हितैषी राम आजकल अत्यंत दुखी है। उनके दुख शोक से संक्षुब्ध होकर ही मैंने आपको कुछ कटु शब्द कहे हैं। उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप स्वयं चलकर श्री राम को सांत्वना दें और अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे कार्य में जो भी सहायता कर सकें करें। हमें आपका बड़ा भरोसा है। सुग्रीव ने लक्ष्मण को उत्तम आसन पर बैठाकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। इसके बाद वो हनुमान से बोला, हनुमान, जहां भी जितने वानर हों सबको शीघ्र अति शीघ्र बुलाने के लिए दोबारा दूत भेजो। जो वानर दीर्घ सूत्री या विषय हो उन्हें समझा बुझाकर, भय दिखाकर या प्रलोभन देकर जिस तरह भी हो सके बुलवाओ। मेरे समस्त यूथपतियों को मेरा ये आदेश भेज दो कि वो अपने अपने दल लेकर 10 दिन के भीतर यहाँ आ जाए। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर प्राण दंड दिया जाएगा। हनुमान ने शीघ्र ही सभी दिशाओं में दूतों के दूसरे दल भेज दिए। चारों ओर से वानरों के दल पहले ही चल पड़े थे। लक्ष्मण के वहां रहते रहते वानरों के अनेक यूथ आ गए और बहुत से दूर आते दिखाई पड़े। सुग्रीव ने यूथपतियों को सेना सहित प्रस्त्रवण पर्वत पर चलने का आदेश दिया। इसके बाद वो लक्ष्मण के साथ सोने की पालकी में बैठकर स्वयं राम से मिलने गया। राम के पास पहुंचकर वानर राज उनके चरणों पर गिर पड़ा। राम के अत्यंत स्नेह से उसका आलिंगन किया, कुशल प्रश्न पूछा और अंत में कहा, मित्र, उद्योग काल आ गया है। मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूं। अब तुम सीता को खोजने में मेरी जो भी सहायता कर सकते हो शीघ्र करो। सुग्रीव ने कहा, मित्रवर, आप निश्चिंत रहे। इस कार्य के निमित्त सैकड़ों युद्धपतियों की अध्यक्षता में अनेक देशों की सेनाएं आ गई हैं। उनमें वानर और रीछ जाति के असंख्य वीर हैं। अन्य स्थानों के सैनिक भी आते ही होंगे। दोनों में बातें हो ही रही थी इतने में दूर अपरंपार धूल उड़ती दिखाई पड़ी। साथ ही भयंकर कोलाहल भी सुनाई पड़ा। सुग्रीव के युद्धपति अपनी अपनी सेना लेकर झपटे चले आते थे। सेनापति नील अपने विशाल दल के साथ आता दिखाई पड़ा। नल भी सहस्रों वानरों को लेकर चला आ रहा था। महाबली बाली का वीर पुत्र अंगद लाखों वानर सैनिकों को लिए हुए सबसे आगे पहुंचने के लिए व्यग्र था। हनुमान का उत्साह तो देखने के ही योग्य था। वो दल के साथ बारंबार सिंहनाद करते हुए महावेग से दौड़े आ रहे थे। वृद्ध जांबवत रीछों का बहुत बड़ा झुंड लिए आता था। इसी प्रकार तारा के पिता सुषेण, हनुमान के पिता केसरी तथा बहुत से अन्य वानर सरदार अपना अपना सुसंगठित दल लेकर राम की सहायता के लिए चले आ रहे थे। राजा सुग्रीव और राजा धीराज राम की जय से आकाश बार बार थर्रा उठता था। देखते देखते लाखों करोड़ों वानर प्रस्त्रवण के पास आकर जमा हो गए। तब सुग्रीव ने राम से निवेदन किया, महानुभाव, मेरे साथी सैनिक और सेनापति आपकी सेवा में उपस्थित हैं। ये बड़े आज्ञाकारी, साहसी, पराक्रमी तथा कामरूपी अर्थात इच्छानुसार विविध रूप धारण करने में कुशल वानर हैं। आप इनसे और मुझसे जो सेवा चाहे ले सकते हैं। सब आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। राम अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, वानरेंद्र सुग्रीव, आज्ञा तो आप ही दे सकते हैं। पहले हमें यह पता लगाना है कि सीता अभी तक जीवित है या नहीं, और यदि जीवित है तो कहां किस परिस्थिति में है। इस काम को आप जिस ढंग से कराना चाहें कराएं। आगे का कार्यक्रम तो बाद में ही निश्चित होगा। सुग्रीव ने वानरों को सारा प्रयोजन बताया और सीता को चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए संपूर्ण सेना को चार दलों में बांटा और प्रत्येक दल के नायक को एक एक दिशा के समस्त नगरों, द्वीपों और वनों तथा पर्वतों आदि का पूरा विवरण बता दिया। दक्षिण दिशा में सीता के मिलने की अधिक संभावना थी।
अतः उधर के लिए अंगद की अध्यक्षता में हनुमान, नील, जामवंत आदि चुने हुए धीर वीर नियुक्त किए गए। इस प्रकार की व्यवस्था करके सुग्रीव ने हनुमान को एकांत में बुलाया और कहा, हनुमान मुझे तुम्हारा बड़ा भरोसा है, तुम बुद्धि और बल दोनों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे ही उद्योग से यह कार्य सफल हो सकता है, तुम सीता की खोज करने में कुछ उठाना रखना। राम ने भी हनुमान को बुलाकर उनके हाथ में अपनी नामांकित मुद्रिका दी और कहा, कपिवर मेरा हृदय कह रहा है कि तुम सीता को खोजने में अवश्य सफल होगे, यदि सीता मिले तो उसे ये अंगूठी दे देना, उसको पाकर वो अत्यंत प्रसन्न होगी और तुम्हारा विश्वास कर लेगी। मेरी ओर से उस दुखिनी का हालचाल पूछना और मेरा यह संदेश कह देना कि उसके बिना मेरा यह जीवन सूना हो गया है, मैं बहुत ही दुखी हूं और शीघ्र ही उसके उद्धार का उपाय करूंगा। इसके उपरांत वानरेश्वर सुग्रीव ने समस्त वानरों को संबोधित करके कहा, मेरे वीरों, तुम लोग अपनी अपनी निर्दिष्ट दिशा में जाकर जिस प्रकार भी हो सके सीता और रावण का पता लगाओ। इस कार्य के लिए तुम्हें एक मास का समय दिया जाता है। इस अवधि में जो भी लौटकर सीता का कुशल संवाद सुनाएगा वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय होगा, मैं उसे मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। इसके विपरीत जो वानर लौटने में विलंब या किसी तरह का प्रमाद करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुग्रीव का आदेश सुनते ही वानरगण चिल्लाकर बोले, राजा सुग्रीव की जय, महाराज राम की जय, हम सीता को ढूंढेंगे, रावण जीता ना बचेगा। इस प्रकार दर्पयुक्त वचन कहते और घोर गर्जन करते हुए वानरों के दल बड़े उत्साह से विविध दिशाओं में चल पड़े। सीता की खोज। वानर लोग चारों ओर बड़ी तत्परता से सीता की खोज करने लगे। पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दल सभी दुर्गम स्थानों में जाकर हताश हो गए और महीने भर के भीतर लौट आए। दक्षिण दिशा का दल निश्चित अवधि के भीतर ना लौटा। अंगद, हनुमान और जामवंत आदि विंध्याचल की गुफाओं में, वनों, पर्वतों और झाड़ियों तक में सीता की खोज करते और अनेक संकटों को झेलते हुए दक्षिण के समुद्र तट पर जा पहुंचे। सामने अगाध सागर गरज रहा था। इतने दिनों के घोर श्रम और कष्ट से व्यथित वानरगण वहीं हताश होकर बैठ गए। उन्हें किष्किंधा से चले 3-4 महीने हो चुके थे। अब लौटने में प्राण दंड का भय था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गए। न आगे जा सकते थे और न पीछे लौट सकते थे। सभी वानर अधमरे से होकर समुद्र के किनारे पड़े थे। उसी समय पर्वत की चोटी पर एक भयंकर शरीरधारी गृद्ध दिखाई पड़ा। वो जटायु का बड़ा भाई संपाति था। उसे देखते ही बहुत से वानर ये चिल्लाते हुए भागे, हाय, हम तो व्यर्थ ही मारे गए, हमसे अच्छा तो जटायु ही था जो राम का कुछ उपकार करके ही मरा। जटायु का नाम और उसका मृत्यु संवाद सुनकर अति वृद्ध संपाति बोला, अरे ये क्या हृदय विदारक समाचार सुना रहे हो, वानरो घबराओ मत, कृपा करके अपना परिचय दो और ये बताओ कि जटायु कब और कैसे मरा। संपाति के पूछने पर वानरों ने सारा हाल कह सुनाया। उसे सुनकर संपाति बोला, मित्रों, जिसके वध का वृतांत तुमने अभी सुनाया है वो मेरा छोटा भाई था। मैं तो वृद्धावस्था के कारण शरीर से बहुत ही निर्बल हो गया हूँ, लेकिन बुद्धि और वाणी से ही राम की थोड़ी बहुत सहायता कर सकता हूँ। कुछ समय पूर्व मैंने रावण को एक अपहृता स्त्री के साथ इधर से जाते देखा था। वो स्त्री बार बार हा राम, हा लक्ष्मण कहकर चिल्ला रही थी, संभवतः वो सीता ही थी। तुम लोग यहाँ से किनारे किनारे सुदूर दक्षिण चले जाओ और वहीं से 100 योजन लंबे समुद्र को किसी तरह पार करने की चेष्टा करो। उस पार रावण के महापुरी लंका में तुम्हें सीता का दर्शन मिल सकता है। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ, उससे मुझे और मेरे स्वर्गीय भाई की आत्मा को बहुत ही संतोष होगा। संपाति वानरों को उत्साहित करके चला गया। वानरगण उसके बताए मार्ग से आगे बढ़े और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद दक्षिण सागर के किनारे पहुंच गए। अब उनके सामने उस विशाल समुद्र को पार करने की विकट समस्या उपस्थित हुई। अंगद ने अपने सभी साथियों से पूछा, परंतु कोई भी इतनी लंबी समुद्री यात्रा करने का साहस नहीं कर सका। तब अंगद
स्वयं ही इसके लिए तैयार हुआ। लेकिन वयोवृद्ध जामवंत ने दल नेता को संकट में डालना ठीक नहीं समझा। उस दुर्गम सागर को पार करके महाबलवान शत्रु के दुर्ग में पहुंचना और वहां से फिर जीवित लौट आना सहज नहीं था। इस दुष्कर कार्य के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। अंगद बहुत उदास हो गया था। तब जामवंत ने कहा, युवराज आप चिंता ना कीजिए, हमारे दल में एक ऐसा वीर है जो इस कार्य को करने में समर्थ है। मैं उसे जानता हूं और उसी को इसके लिए प्रेरित करूंगा। हनुमान उस समय तक चुपचाप विचार मग्न बैठे थे। जामवंत ने उनकी ओर देखकर गंभीर स्वर से कहा, वानर जाति के रत्न वीराग्रणी हनुमान, तुम मौन क्यों बैठे हो? बल बुद्धि तेज में मैं तुम्हें राम लक्ष्मण सुग्रीव से कम नहीं मानता। उठो महावीर, आज संसार तुम्हारा बल पराक्रम देखना चाहता है। सबकी आंखें तुम्हारे ही ऊपर लगी हैं। उठो, लंका के लिए प्रस्थान करो। जामवंत की प्रेरणा से महामनस्वी हनुमान ने इस महत् कार्य को करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। वो सिंह की तरह अंगड़ाई लेते हुए कमर कसकर तैयार हो गए और अपने साथियों से बोले, भाइयों आप लोग चिंता ना कीजिए, मैं इस विशाल सागर को पार करके राम का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। इसके लिए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। वानरगण हनुमान की जय बोलते हुए हर्ष से उछल पड़े। उस समय हनुमान का मुखमंडल आत्म तेज से दमक रहा था। उन्होंने सबके आगे हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा मांगी। जामवंत ने वानर मंडली की ओर से उन्हें विदा करते हुए कहा, वीर शिरोमणि हनुमान, तुम ऋषि मुनियों के आशीर्वाद और मित्रों की शुभकामनाएं लेकर जाओ। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। तुम सफल होकर सकुशल लौटो। हम सबका जीवन और मान सम्मान तुम्हारे ही हाथ में है। वायुतुल्य वेगवान हनुमान बड़े आत्मविश्वास के साथ वहां से उछलकर महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि लाखों विघ्न बाधाओं के होते हुए भी लंका पहुंचकर ही रहेंगे। शरीर से तो नहीं, लेकिन मन से वो उसी क्षण रावण की दुर्भेद्य महापुरी में पहुंच गए।